फ्रेंड्स, मैं अशोक शर्मा, लेक्चर RAC थर्मल इंजीनियरिंग MR 204 यूनिट 3। कल हमने किया था ऊष्मा गति का सिनोनियम और प्रथम नियम। आज हम करेंगे एनर्जी इज द प्रॉपर्टी। पहले हम ये प्रूव करेंगे कि एनर्जी, कल हमने बताया था आपको कि एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। आज हम उसको प्रूव करेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी किस तरह से है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कोई प्रोसेस है, एक से दो किसी प्रोसेस को हम इनिशियल स्टेट है एक और फाइनल स्टेट है दो। एक से दो जाने के कई रास्ते, कई पाथ हो सकते हैं। यहाँ हमने एक से दो के जाने के लिए A1 2 A B 2 और AC 2 तीन रास्ते यहाँ हमने दिखाए। कंसीडर ए सिस्टम दैट Enforces a cycle changing through state 1 to state 2। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने का प्रोसेस है A and reaches from the state 2 to state 1 by process B और C। थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसके अंदर इनिशियल स्टेट एक है और अंतिम अवस्था या फाइनल अवस्था जो है फाइनल स्टेट वो दो है। यह जाने के कई रास्ते जैसे हमने कहा हो सकते हैं। तो यह हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, चेंज इन हीट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वर्क। तो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, प्रोसेस हमने लिया है पहले एक ए दो बी वन, ये साइकिल है पूरी। ये हम एक से गए ए के थ्रू गए दो पे और वापस दो से बी ए पे आए। इस साइकिल के लिए हम लगाएंगे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एक ए, ये पाथ हमारा ए वाला, तो उसको हम लेंगे फर्स्ट ए टू टू, कहाँ पे गए दो पे, इसमें चेंज इन हीट डी क्यू। अब दो बी, दो से हम वापस आ रहे हैं एक पर, तो दो हमारी इनिशियल स्टेट है टू बी और फाइनल स्टेट है एक, ये हमारी कंप्लीट साइकिल हुई। तो इसमें चेंज इन हीट कितना हुआ, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो हीट का चेंज है वो उसके बर्डन के समानुपाती होता है। ये हमने डिफाइन किया था सेकंड जो डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी कल थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट नियम की, उसमें ये हमने बताया था। तो ये हमने लगाया इस बात के लिए चेंज इन हीट, इसी तरह से चेंज इन वर्क एक ए से दो, एक ए से इसको आप देखें नोट करें एक ए से दो तक DW और टू बी से वन DW, तो ये दोनों बराबर हुए। अब हम नेक्स्ट लगाते हैं, सिमिलरली फॉर द साइक्लिक प्रोसेस एक ए टू सी वन। पहले हमने साइकिल लगाई थी ये वाली, ठीक है, अब हम साइकिल लगा रहे हैं एक से हम एक के थ्रू हम गए दो पर और वापस आए हम सी के थ्रू। अब साइकिल प्रोसेस है वो है 1A2C1, ये साइकिल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के लिए हम लगाएंगे
चेंज इन हीट और चेंज इन बर्डन। तो एक ए, एक ए से आप गए दो पर, एक ए से प्रोसेस कहाँ जा रहा है, दो पर, प्रोसेस एक से दो पे जा रहा है थ्रू ए, इसलिए हम इसको लिखेंगे वन ए टू, टू सॉरी ये हाँ वन ए टू टू, लेकिन हमारा ये प्रोसेस है दिस वन, वन ए टू, वन ए टू टू, वन ए टू टू डी क्यू। अब हम लाएंगे टू सी से वन, टू इस पे आप गौर करें, टू सी से वन चेंज इन हीट, हीट में क्या चेंज हो रहा है। इसी तरह सिमिलरली आप यहाँ पे वर्क में चेंज दोनों प्रोसेस में हमने किया। सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन वन, एक समीकरण से इक्वेशन दो से आप एक को हमने माइनस किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, एक में से दो को हमने घटा रहे हैं, तो क्या आया वन टू बी वन डी क्यू माइनस, तो उसमें आपने घटाया तो ये वाला दोनों कैंसिल हो गए, एक से हम दो को घटा रहे, तो एक को से दो हम घटा रहे हैं, तो ये वाली टर्म क्यू वाली कैंसिल हो गई और टू बी वन डी क्यू माइनस टू सी वन डी क्यू, ये दोनों टर्म रहेगी, सेकंड वाली टर्म दोनों रहेगी बराबर, वर्क के लिए वन ए टू डब्ल्यू, ये दोनों कैंसिल हो गई, तो टू वी वन डब्ल्यू माइनस टू सी वन डब्ल्यू, दोनों बाद वाली जो टर्म है वो रह गई है। एक से दो समीकरण को जब हम घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो गई, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, डी क्यू के अंदर ये बच गया, इसी तरह से W के अंदर ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो गई, ये दोनों टर्म रह गई, तो फाइनली हमारा रहा वन टू टू वी वन डी क्यू टू सी वन डी क्यू बराबर टू वी डब्ल्यू माइनस टू सी डब्ल्यू। तो ये कह रहा टू वी वन डी क्यू माइनस डब्ल्यू, इसको हम लिया है W को इधर 2v1, दोनों में स्टेट सेम है, तो पाथ है हमारा 2v से 1 वाला है, मतलब ये वाला पाथ है बीच वाला, इसमें कौन सा पाथ है, ये वाला बीच वाला पाथ है, तो 2v1 वाला एक साइड ले आए हम बराबर 1 टू 2v dw माइनस 2c1 dw, तो इसको हमने वो 2c1 वाले में ये w वाला और इसको लिया w इधर से 2c1 dq वाला, 2c1 dq और ये w को हम इधर लिया है, ये माइनस हो गया और 2c1 dq ये नेगेटिव का है, 2c1 ये वाले टर्म है ये नेगेटिव, इसको उधर लिया ये पॉजिटिव हो गई माइनस डी डब्ल्यू, ये पॉजिटिव हो गई, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये टू सी वन डी डब्ल्यू। सिंस बी एंड सी, बी और सी अलग अलग बात है, B और C, ये हमने क्या बताया था डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू क्या होता है एनर्जी है, और ये पाथ कौन सा है टू
ये हमारा पाथ कौन सा है, एक पाथ है 2B1, एक तो ये वाला पाथ है और दूसरा पाथ आपका सी से, यानी कि दूसरा वाला पाथ है आपका ये वाला, ठीक है। तो इस दोनों पाथ में हमने देखा कि चेंज इन एनर्जी बराबर है। तो आप किसी भी पाथ से आपने कोई साइकिल प्रोसेस किया वो पाथ पर डिपेंड नहीं करे, डिफरेंस जो एनर्जी, जो एनर्जी है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हमने बताया था आपको फर्स्ट लॉ के अंदर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसी भी पाथ से हम गए तो बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रास्ते पर डिपेंड है, जो पाथ फॉलो हम कर रहे हैं, जो प्रोसेस जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पर एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये क्या हुआ कि ये एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, ये तंत्र की गुणधर्म है, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन है। सिंस बी एंड सी रिप्रेजेंट डिफरेंट प्रोसेस बिटवीन स्टेट 2 and 1, इट इज प्रूव दैट द क्वांटिटी डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू इज द सेम, दिस इज इंटरनल एनर्जी फॉर एनी प्रोसेस बिटवीन स्टेट 2 and 1, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डेल क्यू माइनस डी डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है डेल क्यू और डी डब्ल्यू का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, एंड स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोसेस, पाथ कौन सा फ्लो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे क्या प्रूव हो रहा है, दस इट इज द पॉइंट फंक्शन एंड इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड हैज द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज गिवन बाय द सिंबल ई। और हमने जैसे बताया कि इन द केस ऑफ क्लोज सिस्टम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान के चलते हैं, तो ये डेल ई जो है ये हमारी डी यू के बराबर है करेंगे। किसी एक तंत्र की आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जिसको कि जो U बराबर 50+0.8T से निर्धारित की जाती है। जब तंत्र किसी प्रक्रम से गुजरता है तो कृतकार्य 0.4 dT से दर्शाया जाता है। यदि प्रक्रम के प्रारंभ और अंत में तापमान क्रमशः 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 डिग्री है तो कितना ऊष्मा स्थानांतरण होगा। कोई सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इज डिफाइंड बाई यू बराबर 50+0.8T किलोजूल, सिस्टम प्रोसेस यानी किसी प्रोसेस से जब किस तंत्र से गुजरता है तो वर्क डन को हम डिनोट कर रखा है डेल डब्ल्यू बराबर 0.4 dT, प्रक्रम के प्रारंभ प्रोसेस के इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिए हुए हैं 200-400, तो आपको डी यू निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, सॉरी चेंज इन ऊष्मा डेल क्यू निकालना है, चेंज इन उष्मा डेल क्यू हीट में कितना स्थानांतर, हीट कितनी उसमें चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर यू वन निकालेंगे, यू फंक्शन इंटरनल एनर्जी का देगा यू बराबर 50+0.2 T, तो यू वन बराबर 50+0.8 T1, टी बराबर 200 दिया हुआ है, 210 किलो जूल। इस तरह से हम यू टू निकालेंगे तो T2 दिया हुआ है हमको 50+0.8 मल्टीप्लाई बाय 400, तो 370 किलो जूल। तो U2 माइनस U1 कितना हुआ 160, तो यू का हमने दिया हुआ है टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर हमको क्योंकि दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल, तो U1 और U2 आपने निकाल ली, ये U1 निकाला हमने पहले, उसके बाद U2 निकाला और फिर डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाली। हमको किसी भी क्लोज सिस्टम के अंदर जब चेंज इन
ऊष्मा अंतरांतरण की चेंज, हीट कितना चेंज हुआ है, हीट में कितना चेंज है सिस्टम प्रोसेस के अंदर, वो हमको निकालना है। तो हमको क्या चीज चाहिए, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीन चीज में, तीन क्वांटिटी में। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, किसी भी सिस्टम को जब हीट ऐड करते हैं तो उसमें वो जी हीट है वो बर्डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी काम आती है। हमको निकालना क्या निकालना है इसके अंदर, ये हमने हमारा ये इसको आपको करना है कि डेल डी क्यू जल्दी हम इसको यहाँ ऐसे नोट करते हैं, डी क्यू बराबर जब भी हीट आपने दी तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू आपको निकालना है, डी क्यू ही निकालना है, नेचुरल डी क्यू आपको निकालना है। तो आपको क्या चीज चाहिए, डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन बर्डन। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लिया। अब चेंज इन बर्डन निकाल लेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऊष्मा अंतरण कितना हुआ वो चीज आ जाएगी। तो हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, बर्डन क्या दिया हुआ है, बर्डन इज डेल डब्ल्यू बराबर 0.4 टी टी। तो डेल डब्ल्यू आपका डी टी कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री, 400 माइनस 200 200, तो ये आपका डेल डब्ल्यू हमने निकाल लिया। डेल डब्ल्यू इधर 0.4 डी टी, कहां से कहां पर 200 से 400, 400 माइनस 200, तो ये आपका हो गया 80 जूल, 80 और 160 करके आपका ये 240 किलो जूल आंसर हो गया। तो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। यदि किसी तंत्र को 3.3 दर्शाए अनुसार एक से दो रास्ते दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई सिस्टम है, एक से दो, एक इनिशियल स्टेट है, दो फाइनल है, इस रास्ते जाएंगे तीन से, एक बार जाएंगे चार वाले रास्ते से, तीन के द्वारा ले जाया जाता है, तीन के द्वारा ले जाने में तो तंत्र में 800 किलो जूल ऊष्मा प्रवाहित होती है। जब हम एक से दो गए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो चेंज इन हीट कितना है 800 किलो जूल है, तथा तंत्र 300 किलो जूल कार्य करता है। इस पास से हम जाते हैं तो डेल क्यू दिया हुआ है आपको और डेल डब्ल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, तंत्र में कितनी ऊष्मा का प्रवाह होगा यदि पथ 1 से 2 4, इस बात के लिए हमको 1 से 2 से 4 जाने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण को निकालना है, ठीक है। वह तंत्र में कितनी प्रवाह होगा यदि 1 से 2 से 4 के द्वारा इस प्रक्रिया में 100 किलो जूल कार्य प्राप्त किया था, या इस रास्ते से हम जाते हैं तो बर्डन हमको दिया हुआ है। अब बहुत सिंपल है कि हमने देखा कि जो चेंज इन हीट है पाथ पे डिपेंड करती है लेकिन इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। और हमको इस 1 4 2, बहुत ध्यान से आप समझना कि 1 2 4 में हमको निकालनी है इस रास्ते से के लिए, क्या निकालना है 1 2 4 के लिए कितनी ऊष्मा का प्रभाव। तो वही ऊष्मा प्रभाव करने के लिए बर्डन तो आपको दिया हुआ है, इंटरनल एनर्जी आपको मालूम चलेगी तो आप निकाल लोगे कितनी ऊष्मा का प्रभाव होगा। अब इंटरनल एनर्जी आपको एक यहां से निकालनी है, यहां पे क्या दिया हुई है, ले जाएगा तो इतने किलो ऊष्मा प्रभावित होता है, 300 किलो जूल कार्य होता है। तो यहां पे हमको निकालेंगे इंटरनल एनर्जी 1 से 2 के लिए, इंटरनल एनर्जी क्या है, तो डेल क्यू बराबर डी यू और डेल डब्ल्यू, ये 800 दिया हुआ है और ये 300, तो डी यू कितने आ गया 500 किलो जूल। ये डी यू पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पास से डिपेंड नहीं है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ हमने इसको निकाल लिया। एक से इस रास्ते से हम यदि जाते हैं प्रोसेस को 1 3 से करते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने निकाल ली 500 किलो जूल। अब इस पाथ से जाने के लिए वो आपसे निकलवाना चाह रहा है कि कितनी ऊष्मा का स्थानांतरण होगा यदि बर्डन 100 किलो जूल दिया हुआ है। तो आपने निकाल लिया, इंटरनल एनर्जी फिक्स रहेगी किसी पाथ से हम जाते हैं। तो अब 1 4 2 के लिए यही वही फॉर्मूला,
चेंज इन टेक्नोलॉजी 500 है, बर्डन दिया हुआ है 600 क्लोज हुए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट देखिए आप, तंत्र 2 से 1 तक चक्र 2-1 द्वारा प्रारंभिक अवस्था को लौटता है। तंत्र 2 से 1 तक 2-1 द्वारा, अब ये बीच ये तीसरा रास्ता है, तीन रास्ते हैं ना इसमें। अब ये कह रहा है इससे आता है, तंत्र 2-1 द्वारा प्रारंभिक अवस्था को लौटता है तो 200 क्लोजूल कार्य प्रदान कार्य तंत्र को प्रदान करता है। बारीकी से आप समझना कि जब ये सिस्टम 2 से 1 में वापस आता है 2-1 वाले रास्ते से, तब 200 क्लोजूल कार्य सिस्टम को दे रहा है, सिस्टम द्वारा नहीं सिस्टम पर कार्य हो रहा है। तो ये कार्य क्या हुआ, नेगेटिव वर्क डन हो गया, 200 किलोजूल नेगेटिव हो गया। तंत्र उष्मा अवशोषित करेगा या परित्याग करेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला डेल क्यू बराबर डीयू प्लस डीयू, ये फिक्स रहेगा। डीयू तो 500 फिक्स है जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर हीट जो है वो वर्क डन सिस्टम पर किया जा रहा है। ये पहले मैं बता चुका हूं कि सिस्टम पर बर्डन हम कर रहे हैं, तो बर्डन को हम लेंगे नेगेटिव। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये, कि भाई एनर्जी पाथ फंक्शन है, हमने इंटरनल एनर्जी निकाल ली और उसके बाद में अब ये इस रास्ते से हमारे, अब किसी भी रास्ते से आओ, कभी भी कोई पाथ हो, कोई साइकिल हो, फर्स्ट स्टेट से आप दूसरे स्टेट में आप किसी पाथ को फॉलो करके जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन है तो वो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो वो एक डाटा आपको मिल गया, और एक डाटा वो दे रहा है, फिर दूसरा डाटा निकालना है। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या निकल गया है कि यदि सिस्टम को हीट दे रहे, सिस्टम को बर्डन, सिस्टम के ऊपर बर्डन किया जा रहा है तो वो नेगेटिव है, सिस्टम के द्वारा बर्डन किया जाए तो वो पॉजिटिव है। तो यहाँ इसने जो सेकंड क्वेश्चन में कहा कि भाई 200 यदि इतने किलो जूल है तो प्रक्रम कितनी ऊष्मा का, U1 बराबर, ये इसका एक पार्ट हो रही है, दूसरा अपन ने अभी किया, दूसरा पार्ट किया अभी अपन ने, खे वाला पार्ट किया है कि इसमें 2 से 1 जाने में 200 किलो जूल तंत्र को प्रदान करते, तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया। अब इसका तीसरा पार्ट और है, यदि U1 बराबर 0, U4 बराबर किलो जूल हो तो प्रक्रम 4-2 में कितनी ऊष्मा का अवशोषण होगा। यहाँ पे एनर्जी को चेंज कर दिया इसने, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी चेंज कर दिया, ऊष्मा का अवशोषण कितना होगा। सेम पाथ है, पाथ कौन सा, U1 से U4, U1 बराबर 0 4-2 में, प्रक्रम 4 से 2 में कितनी ऊष्मा का अवशोषण होगा। अच्छा, ये इसमें है -700 किलोजूल आई हमारे, इसमें क्या है चेंज इन पार्ट सेकंड के अंदर, उसमें कहा भी तंत्र कितनी उसमें अवशोषित करेगा या परित्याग करेगा, तो ये क्या ही नेगेटिव में आई है। इसका मतलब कि तंत्र द्वारा उष्मा का परित्याग किया जाएगा। जब भी सिस्टम को हीट देते हैं तो पॉजिटिव होती है, और सिस्टम द्वारा हीट दी जाती है तो नेगेटिव होती है। यहाँ पे नेगेटिव आया चेंज इन डेल क्यू, तो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा हीट निकाली जा रही है और रिजेक्ट की जा रही है। ठीक है, लास्ट वाला हमारा इसका पार्ट है ये, U1 बराबर 0 किलो जूल, U2 बराबर 400 किलो, U2 माइनस U1 500 किलो जूल हो गया, तो U2 बराबर 500 किलो जूल। अब तंत्र 4-2 में, 4 से 2 देखो आप, 4 से 2 बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। 4 से 2 में क्या हुआ, बर्डन तो 0 होगा, तो यानी कि ये पूरा 1 से और 2 के लिए बर्डन हमको मिल जाएगा। तो ये 4 से 2 में डेल डब्ल्यू 0 होगा, तो डी क्यू बराबर डी यू हो गया, तो डेल क्यू बराबर U2 माइनस U1, तो 500 माइनस 400 बराबर 100 किलो जूल आंसर। तो बहुत ही अच्छा निम्नलिखित है, दोनों ही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, किस तरह से आप बर्डन निकालेंगे,
चेंजिंग हीट निकालेंगे, इंटेलिजेंस निकालेंगे, तो ये पूरी पूरी एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की किस तरह से होगी ये आपने आज देखा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे